साई राम, दिस इज साई पूजा, साई पूजा चैनल के माध्यम से। इस वक्त मैं शिरडी में हूँ और मेरे साथ मेरी टीम, हरिद्वार वाले भैया विकास मेरा भाई, जिनको भी अन्नदान कराना है मेरे से नंबर ले ले और इनसे अन्नदान करा सकते हैं। और आज बच रही है दाल खिचड़ी, सो अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। और मेरे साथ और भी कौन है, और भी पूजा है, पूजा ओम साई राम, और काम है हेमा जी, ओम साई राम, ओम साई राम हेमा जी है। और ये कार्य आरंभ हो गया है, बाबा को भोग लग गया, तो बाबा को भोग लग चुका है और हमारे यहाँ ये काम शुरू हो गया है। और मैं फिर से बोलूंगी अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान, भूखों को खाना खिलाए, बाबा के दिल में जगह बने। पर हमारे जीजा जी जो हेमा गुप्ता के पति देव है, रवि जीजा जी, तो ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और ये अन्नदान हो रहा है शिरडी में चावड़ी के पास। आज बोलो साई राम साई राम, जय जय साई राम साई राम साई राम, बोलो साई राम बाबा प्रसाद ले जाइए, साई राम जय जय साई। आज पूजा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष पे ये अन्नदान किया जा रहा है। बाबा की असीम कृपा है इन पर और बाबा इन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और ये ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी करे और बाबा के नाम का अन्नदान करे। और ये हमारे अन्नदान का बाबा की कृपा से किया जा रहा है। आप सभी को भी बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग। ये हमारी पूजा जी है पटना से, भैया अन्नदान हो रहा है। अरे बाबा हम कहे तो खिलाओ करते हैं, फोन आ गया ना। आइए बाबा प्रसाद दी जाइए, मिलिए बाबा प्रसाद दी जाइए। आप इसमें ले जाइए, आपको अन्नदान किया जा रहा है, आ जाइए सब। ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा का भोग लीजिए, आ जाइए सब। भैया आप लोग ले लीजिए प्रसाद पापा का, आइए सब। ओम साई राम, प्रसाद लीजिए एक एक करके। जनता कर्फ्यू का ना जी जी भाई, मार मालूम है आप टाटा है जगह स्टेशन है वहाँ से ना मेरी गाड़ी रिजर्व कर दीजिए। तक हम तो आधा बॉर्डर पे मिलिट्री हो गई है, सबको सारा गाड़ी बात कहना चाहूँगी कि शिरडी में लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स बाबा की भंडार यहाँ भरा है प्रसाद वाले, बट जस्ट फॉर मोटिवेशनल मैं यहाँ अन्नदान करती हूँ, वरना यहाँ पर अन्न की कोई कमी नहीं है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान, इतना याद रखिए, खाना वेस्ट मत कीजिए। जो आपके घर में रूखा सूखा अच्छा बुरा जो बनता है, जो बचता है उसको फेंकिए मत। किसी गरीब का पेट भर सकता है उससे, किसी की आत्मा तृप्त हो सकती है। जब भूख होती है ना और उसको खाना नहीं मिलता तो वो बंदा कुछ भी करता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, झूठ बोलता है, धोखेबाजी करता है। मैं कहना चाहूँगी सुसाइड भी कर लेते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं, लोग जब सह नहीं पाते तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो किसी का पेट भरिए, अन्नदान चालू है और बस
खुश रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम, जय श्री राम। आज हम पहुंच गए हैं दीपदान के लिए और यहाँ पर बहुत सारे दिए जलाने वाले हैं। दिया, जब दिया हम जलाते हैं तो हमारे जीवन में जिस प्रकार दिया रोशनी करता है, उस प्रकार जो है हमारे जीवन में भी रोशनी उत्पन्न होती है। तो ये हेमा जी निकाल रही है दिए, ये निकाल दिए, कपड़ा हटा दे, और बस दिए जलाने जा रहे हैं। और बाबा भी हमारी ज़िंदगी में रोशन करेंगे प्रकाश।